यार भाई अम्मी मेरे को नहीं जाना भाई, बहुत डर लग रहा है मेरे को। एक तो ये हाथ भी मेरा सारा सूजा हुआ है, अल्लाह मुड़ा भी नहीं जा रहा मेरा हाथ, देखना। डर क्यों लग रहा है भाई? नहीं मेरे को नहीं करवाना ऑपरेशन, अब ये करवाओ फिर दूसरा करवाओ। दूसरे में का नाम लिखवाया हुआ बताओ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी ये फाइल मेरे हाथ में है और यहाँ मैं हॉस्पिटल में आने लगी हूँ और ये लिफ्ट में आ गए हैं और बस ऊपर जाने की तैयारी है और मेरा दिल इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है, धक धक। तो जी लिफ्ट से उतर के यहाँ पे हम आ गए, ये साथ मेरा भाई और मेरी अम्मी है। और जी ये मैं आपको दिखाऊँ, ये काउंटर है यहाँ से भी हमने पर्ची बनवानी है और यहाँ से भी थोड़ा सा आगे जाए तो ये आपको ये डॉक्टरों का रूम नज़र आ रहा होगा, क्योंकि हमें 9 बजे, हम तो 9 बजे आ गए, बारिश हो रही थी तो अभी डॉक्टर के आने में थोड़ा सा टाइम है, तो इसलिए आपको अभी यहाँ पे थोड़ा सा सन्नाटा नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ अस्पताल में हम लोग आ गए, सुबह 9 बजे का टाइम है। अब देखो हमारा कौन सा नंबर होता है। मैं आ तो गई, मेरा इतना दिल परेशान हो गया, मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं सीधा घूम के जाऊँ, पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना। आप लोग सब दुआ करें कि साथ खैरियत से हो जाए मेरा सीजन, सब ने मिलकर अच्छे से दुआ करनी है ना, मेरा दिल परेशान होगा बस। देख देख के मेरा दिल और डर रहा है। हम और हमारी वीडियो अभी 9 बजे से लेकर 10 बजे का टाइम हो गया, लेकिन अभी तक नंबर हमारा नहीं आया है। और हुआ ये कि मेरे साथ के 7 से 8 ऑपरेशन हो रहे हैं नबी में, देखें इंशाल्लाह ओटी में जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह आपसे वहाँ की भी शेयर करूँगी। अभी इतना मेरा दिल घबरा रहा है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बस आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला ठीक ठाक सारे मामला हो जाए। अभी सभी बेचारे परेशान बैठे जो आए हैं सारे के सारे, आप लोगों को तो पता है कि बीमारी तो कोई भी अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी किसी बीमारी में मुबतला ना करे, बीमारी तो बीमारी होती, भले वो सर का दर्द है तो वो भी बुरा है। बस अब पढ़ाइयाँ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला करे के साथ करे तो सारे मामला इन इंशाल्लाह, बस ठीक है। अब देखें इंशाल्लाह ऊटी में जाते हैं तो फिर मैं आप लोगों के साथ वहाँ की थोड़ी वीडियो वगैरह शेयर करूँगी और फिर मैं आप लोगों को पूरा बताऊँगी, अपनी जर्नी बताऊँगी कि क्या हुआ था ऊटी में, क्या कुछ हुआ था, क्या हुआ था मेरे साथ, मैं आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर करूँगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी ओटी से रूम में शिफ्ट कर दिया है, कितने की नाली जो थी उसकी सफाई हो गई है,
असल में जब मुझे उधर ओटी में लेके गए थे तो वहाँ पे सबसे पहले तो ना बेहोश तो किया नहीं था, तो ना उन्होंने क्या किया कि जो सुन होता है ना सुनोने का टीका लगा दिया था। अब सुनोने का टीका उन्होंने लगाया है तो इतनी बड़ी कैमरे जैसी रॉड थी उसके अंदर कैमरा लगा हुआ था, वो सारी मुझके अंदर इतनी मेरे पूरे खाद के बराबर इतनी बड़ी रॉड की तरह थी, वो सारी मुझके अंदर अंदर वो इतना दर्द इतनी तकलीफ इतनी वोमिटिंग हो रही इतनी बुरी मेरी हालत मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। अल्लाह का शुक्र है ये वाले मामला सुन मर गया, अभी पिट्टे को ऑपरेशन दे रहा है। अच्छा उन्होंने अभी नाली के अंदर से वो जो पथरी निकाली है अभी वो कह रहे हैं कि उसके अंदर हमने जो है ना एक लॉक लगा दिया है, एक ना उसके अंदर एक वो चिप्स ही होती है वो डाल दी है, तो खुदा ना खास्ता पित्ते में से पथरी दोबारा निकल गई क्योंकि पित्ते के अंदर और भी ज़्यादा पथरी है, कि कहीं खुदा ना पथरी ना निकल के जो है ना दोबारा उसके अंदर ना चली जाए फिर उसकी पित्ते की नाली के अंदर, क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे कि पित्ते की नाली के अगर पित्ते का ऑपरेशन, मैंने कहा कि भाई आप लोग पित्ते का ऑपरेशन करने का बोल रहे तो नाली तो वैसे ही रिमूव हो जाएगी, एक तो वो अभी गनूजगी सी आ रही ना तो जबान में थोड़ी लड़खड़ाहट भी आ रही है, तो वो कहने लग गए इसको थोड़ा प्लीज़ इग्नोर करिएगा। मैं ये हाँ मैं ये बता रही थी कि पित्ते की जो नाली होती है वो कहने लग गए कि पहले पित्ते की नाली में से पथरी रिमूव होगी और उसके बाद पित्ते का ऑपरेशन होगा। मैंने कहा क्या वजह, कह रहे वजह ये है कि जो है अगर हम पित्ते का ऑपरेशन पहले कर लेते हैं तो नाली वहीं रहेगी, और अगर नाली वहीं रहेगी तो कह रहे पित्ते की नाली तो वहीं रहेगी, अगर पित्ते की नाली वहीं रहेगी तो ना फिर ना वो ना उसका दोबारा ना फिर उसकी सफाई नहीं हो सकती, इसलिए पहले पित्ते की नाली रिमूव होगी और उसके बाद उसका ना पित्ते का सुधार होगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इसका तो हो गया है, नाली की सफाई का काम हो गया, अब देखते इंशाल्लाह पित्ते का ऑपरेशन होगा उसके बाद फिर जो उन्होंने उसकी नाली के अंदर चिप डाल दी उसको निकालना होगा, वो दोबारा वही कैमरा अंदर जाएगा फिर वह अंदर से चिप निकालनी पड़ेगी। तो बस आप तो बहुत सारी दुआएं किया करें, बस आज मुझे इतना ही बताना था, अभी तकरीबन 24 घंटे होने को आए हैं ओटी से लेके अभी तक, और अभी तकरीबन रात के 8-9 बजे का टाइम है और खाना पीना मेरा बिल्कुल बंद किया हुआ, डॉक्टर कह रहे हैं अगली सुबह से आपका खाना पीना शुरू होगा। ये देखें जो अभी भी रोड पर लगी हुई है, मेरा हाथ इतना ज़्यादा सूज गया, इतनी सॉल हो रही है, इतना दर्द इतनी तकलीफ है, प्लीज़ बस दुआ करें आप लोगों से, दुआ सुन के बहुत ज़्यादा चलेगा, पहले अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको भी अपने ईमान में रखे, अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी किसी भी बीमारी में मुबतला, चले आपकी बहुत सारी दुआ की तरफ का अंदाज़ है।